एंड द आइगन वैक्टर ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दी प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट और यू कैन से दैट द प्रिंसिपल फैक्टर मेथड ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है बेसिकली ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं प्रिंसिपल फैक्टर मेथड्स के अकॉर्डिंग क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर यूज किए हैं बेसिकली हमारे पास क्या है हेयर इज देयर ऑफ द आइगन वैल्यू एंड द आइगन वैक्टर हम क्या करते हैं पेयर ऑफ द आइगन वैल्यू एंड द आइगन वैक्टर यूज करेंगे लेमडा वन बीटा वन कॉमा लैमडा टू बीटा टू पेयर है ना आपके पास दिस इज द आइगन वैल्यू एंड दिस इज द आइगन वैक्टर दिस इज देयर ऑफ द आइगन वैल्यू एंड द आइगन वैक्टर तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमने यूज करना है फाइंड करने हैं फैक्टर एनालिसिस को सो लेमडा वन इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द आइगन वैल्यू लैमडा टू इज द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू एंड लैमडा थ्री इज द थर्ड वैल्यू ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड हेयर इज द बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री दीज आर दइगन वैक्टर नाउट द फर्स्ट पार्ट इज अज्यूम के इक्वल्स टू वन फैक्टर मॉडल फिर हमने क्या करना है वन फैक्टर सोल्यूशन निकालना है और मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो है कि हम नुमैरिकली तो वन फैक्टर कर सकते हैं मैथमेटिकली भी हमने वन फैक्टर देख लिया नोमेरिकली भी हमने सोल्व कर लिया बट मोर देन वन फैक्टर सोल्यूशन हम सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे कैलकुलेट दोडिंग मैट्रिक्स सेगमा एंड द मैट्रिक्स ऑफ द स्पेसिफिक वेरियंट सायिंग प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट सोल्यूशन मेथड अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमने लोडिंग मैट्रिक्स फाइंड करनी है और स्पेसिफिक वेरियंट साय फाइंड करनी है बट किसके साथ यूजिंग द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट अनालसिसिस को यूज करके उसके मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व करना है प्रीवियस हमने किससे किया था प्रीवियस हमने आइगन वैल्यूज आइगन वैक्टर को यूज नहीं किया था नाउ द सेकेंड पार्ट वॉट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट कॉमन फैक्टर तो सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करना है टोटल पॉपुलेशन वेरियंस इज एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट कॉमन फैक्टर यानी फर्स्ट फैक्टर जो है वो टोटल वेरिएशन कितनी एक्सप्लेन कर रहा है तो दिस इज द क्वेश्चन एंड हेयर इज द दल्यूशन नाउ लुक एट दिस बाई प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड फॉर के इक्वल्स टू वन तो अभी हमने क्या किया दिस इज दैमडा लेमडा प्राइम अब यहाँ पे हमने क्या किया अब हमारे पास पेयर ऑफ हम ये दिस इज देयर ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वैक्टर यूज कर रहे हैं तो लेमडा हमारे पास बेसिकली क्या था लेमडा वन बीटा वन स्केयर उड तो लेमडा प्राइम हमारे पास क्या हो गया बीटा वन लेमडा वन स्केयर उड बीटा वन ट्रांसपोज इन जनरल हमारे पास क्या हो गया लेमडा वन स्केयर रूट लेमडा वन स्केयर रूट जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो लेमडा वन स्केयर रूट स्केयर रूट आप कैंसिल हो गए वो स्केयर फॉर्म बन गई स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गए तो लेमडा लेमडा प्राइम विच इज इक्वल्स टू लेमडा वन बीटा वन बीटा वन प्राइम नाउ हेर इज देंडा वन आइगन वैल्यू बीटा वन बीटा वन प्राइम आइगन वैक्टर सो लेमडा वन विच इज इक्वल्स टू वन पॉइंट नाइन सिक्स फिर इज द लैमडा वन वन पॉइंट नाइन सिक्स बीटा वन की वैल्यूज़ हमारे पास हैं सो बीटा वन पॉइंट सिक्स टू फाइव एंड बीटा वन प्राइम ठीक है इसको हमने कैलकुलेट कर लिया आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास पहले हमने क्या किया ज़ीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑर्डर चेक कर लेते हैं आपके पास कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास फाइनल सोलूशन क्या आएगा वो हमने चेक कर लेना है आपके पास हैं थ्री रोज वन कॉलम थ्री वन सो वन रो थ्री कॉलम्स तो आपके पास क्या आ गया थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स आ जाएगी देन वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वन पॉइंट नाइन सिक्स एन तो फर्स्ट क्या हो गया ज़ीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव देन जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फाइव नाइन थ्री जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन देन सेकंड वैल्यू प्रीवियस हमने ये सारा मैट्रिसेस में सॉल्व किया नाउ लुक एट दिस हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स आ गई नाउ वी नो दैट लेमडा लेमडा प्राइम है ना अभी देखो यहाँ पे लेमडा लेमडा प्राइम है साए नहीं है अभी हमारे पास क्या है लेमडा तो लेमडा हमारे पास क्या था लेमडा वन वन लेमडा टू वन लेमडा थ्री वन तो लेमडा प्राइम लेमडा वन वन लेमडा टू वन लेमडा थ्री वन तो क्या हो गया अगर मैं फर्स्ट करूँ लेमडा वन वन इंटू लेमडा वन वन लेमडा वन वन स्क्वेर सेकेंड लेमडा वन वन लेमडा टू वन लेमडा वन वन लेमडा थ्री वन तो क्या बन जाएगा थ्री क्रॉस थ्री का आपके पास आ गया अब हमने इसे क्या कर लिया कंपेयर कर सकते हैं हम ईजीली इसको सो लेमडा वन वन स्केयर लेमडा वन वन स्केयर क्या है ज़ीरो पॉइंट सेवन डबल सिक्स उसका आप स्केयर रूट ले लें तो स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास आ गया लेमडा वन वन जीरो पॉइंट एट एट नॉ लेमडा टू वन लेमडा टू वन जीरो पॉइंट सिक्स नाइन इसका स्केयर रूट लिया जीरो पॉइंट एट थ्री लेमडा थ्री वन स्केयर और हमारे पास वो है जीरो पॉइंट सिक्स टू नाइन उसका हमने स्केयर रूट ले लिया तो आफ्टर दैट हमारे पास आ गया लेमडा वन वन लेमडा टू वन एंड लेमडा थ्री वन ना लेमडा प्राइम विच इज इक्वल वैल्यूज आ गई लेमडा प्राइम फॉर के इक्वल्स टू वन अब ये सारा हमने किससे किया था ये हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर के साथ किया ना ये सारा सोल्यूशन हमने यहाँ पे आइगन वैल्यूज यूज़ किए एंड देन हमने आइगन वैक्टर यूज किया उससे हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट बेसिकली तो प्रिंसिपल कंपोनेंट फैक्टर्स हैं तो प्रिंसिपल कंपोनेंट के थ्रू हमने फैक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें फॉर के इक्वल्स टू वन वन फैक्टर सोल्यूशन विथ थ्री वेरिएबल्स वी हैव दिस दिस इज द जर्नल लेमडा प्राइम यू नो दैट सेगमा लेमडा लेमडा प्राइम प्लस साय ये ब्रैकेट अगर आप यहाँ पे ना भी डालो तो डजेंट मैटर क्योंकि ब्रैकेट के एज सच यहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है सिग्मा इक्वल्स टू लेमडा लेमडा प्राइम प्लस साइ, देन हमने सिग्मा की वैल्यू कर ली प्रीवियस भी जैसे हम कर रहे थे हमारे पास सिग्मा की वैल्यूस आ गई अब लेमडा वन वन स्केयर प्लस साइ वन कंपेयर विद दिस और ये आपके पास कहाँ है आपके पास गिवन है तो वहाँ से हमने सिग्मा की वैल्यूस है कम्पेयर कर लिया और यू नो डैट के हमारे पास सिक्स इक्वेस बनेंगी फिर फर्दर हमने लेमडा वन वन लेमडा टू वन लेमडा थ्री वन की वैल्यूज फाइंड करनी है साइज की वैल्यूज फाइंड करनी है सो स्पेसिफिक वेरियंस इज गिवन एज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं किया क्योंकि प्रीवियस टू एग्जाम्पल्स में हम इसी को सॉल्व कर रहे थे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द स्पेसिफिक वेरियंस विच इज इक्वल टू दिस वन तो साय हमारे पास है साय वन वन साय टू एंड साय थ्री दिस इज साय नॉट वन वन अब स्पेसिफिक वेरियंस भी हमने फाइंड कर लिया बिकॉज हमारे पास क्या था अज्यूम के इक्वल्स टू वन कैलकुलेट दी लोडिंग मैट्रिक्स लोडिंग मैट्रिक्स भी हमने फाइंड कर ली एंड द स्पेसिफिक वेरियंट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट सोल्यूशन मैथड ए पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया दिस इज दी पार्ट ए साई भी आ गया और हमारे पास की लेमडास की वैल्यूज थे फर्दर हमारे पास लेमडास भी आ गए नेक्स्ट इज द बी पार्ट प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट कॉमन फैक्टर अब प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट कॉमन फैक्टर हमने फर्स्ट फैक्टर की प्रोपोर्शन चेक करनी है तो विच इज इक्वल टू लेमडा वन ओवर पी अब लेमडा वन क्या है आइगन वैल्यू हमें गिवन है ना लेमडा वन तो लेमडा वन हमें गिवन है विच इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई पी डायमेंशन या वेरिएबल कितने वेरिएबल हैं थ्री एंड विच इज इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इट मीन्स कि फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा है सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वेरिएशन यानी एक ही वेरिएबल आपकी इतनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है तो रिमेनिंग कहाँ आ आर में चले जाएंगे आपके पास अदर फैक्टर्स आर एन उसको हम कहते हैं अदर फैक्टर्स में हमारे पास आ गए तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया कि फर्स्ट द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएशन एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट कॉमन फैक्टर जिसको हमने लेमडा वन रखा है क्योंकि आपके पास हाइस्ट आइगन वैल्यू होती है लेमडा वन तो हाईएस्ट आर्गेन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि वो 65.33 फाइव पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन देन हमने उसमें कम्युनालिटीज फाइंड करनी है कम्युनालिटीज अभी प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि कम्युनालिटीज हमारे पास क्या है दिस इज सम ऑफ ऑफ तो sum of squares हमने निकाली हैं लेमडा वन वन स्केयर लेमडा टू वन लेमडा थ्री वन और टोटल कम्युनालिटीज टोटल कम्युनालिटीज इसको एडअप कर लिया है एड करने के बाद हमारे पास टोटल कम्युनालिटीज लेमडा की वैल्यू आ गई टू पॉइंट यू नो दैट कि ये वैल्यू वैल्यूज आपकी ग्रेटर देन नहीं हो सकती। टोटल वेरिएशन ऑफ एक्स अब वो टोटल वेरिएशन ऑफ एक्स यानी कि अब वो कितनी हमारे पास है डायगनल वैल्यूज ऑफ दिग्माशन ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ एक्स एक्सप्लेन बाय दीवियस हमने किया था वन फैक्टर अब यहाँ पे हमने टोटल वेरिएशन देखनी एक्सप्लेन बाय द कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं लेमडा डिवाइडेड बाय ट्रेस ऑफ सिग्मा तो लेमडा क्या था हमारे पास अब ये लेमडा वन या टू नहीं है दिस इज दैमडा दिस इज टोटल कम्युनालिटी दिस इज दोटल कम्युनालिटी लेमडा टू पॉइंट जीरो एट सेवन दू पॉइंट जीरो विच इज इक्वल टू सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट इट मीन्स कि टोटल वेरिएशन ऑफ एक्स एक्सप्लेन बाय दिक्सटी कॉमन फैक्टर 69.5 परसेंट है प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन ऑफ एक्स एक्सप्लेन बाई स्पेसिफिक फैक्टर द प्रोपोर्शन ऑफ देशन ऑफ एक्स सम आईज डिवाइडेड बाई ट्रेस ऑफ सिगमा और साई की वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं तो साई विच इज़ इक्वल्स टू दिस साई आई ये हमने भी प्रीवियस फाइंड किया था फिर इज दी साई आई साई वन साई टू साई थ्री दिस इज दाई वन साई टू साई थ्री डिवाइडेड बाई ट्रेस ऑफ सिगमा विच इज़ इक्वल टू थ्री एंड आफ्टर कैलकुलेशन द वैल्यू इज दर्टी पॉइंट फाइव अब आपके पास टोटल कितना हंड्रेड परसेंट है ना आपके पास सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव तो रिमेनिंग कितना रह गया थर्टी पॉइंट फाइव तो थर्टी पॉइंट फाइव आपके पास कौन सी वेरिएशन एक्सप्लेन करी स्पेसिफिक फैक्टर्स आपके पास आ गए और सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही है कॉमन फैक्टर तो ये आपके पास थी दिस इज द एग्जाम्पल नंबर थ्री अब एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया है. हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट को इसमें यूज किया यानी प्रिंसिपल फैक्टर मेथड है दिस इज द प्रिंसिपल फैक्टर मेथड इसमें आइगन वैल्यूज आइगन वैक्टर के साथ हमने ये सारी सोल्यूशन सॉल्व किया है तो दिस इज़ आप ये भी आपके पास वही है कि हमने टोटल वेरिएशन देखी है कॉमन फैक्टर्स बट हमने कॉमन फैक्टर्स और स्पेसिफिक फैक्टर्स को फाइंड किया है किसके थ्रू आइगन वैल्यूज आइगन फैक्टर के साथ प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर थ्री ऑफ फैक्टर